आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, आज तक के दंगल में बोले कांग्रेस के प्रवक्ता, कहा बीजेपी के लोगों से क्यों मिल जाते हैं अपराधियों के लिंग, उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल फ्रेंडली है सरकार, यूपी में पिछले 4 सालों में 42 हिंदुओं की हत्या हुई, कांग्रेस प्रवक्ता ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट यूपी की अपराधियों को पोषित और संरक्षण देती है, वो यहाँ बैठ के बता रहे हैं हम अपराधियों पे कार्रवाई करते हैं। ये इलाहाबाद का अखबार है, घटना का लिखा हुआ है, भाजपा नेता का भाई है उमेश हत्याकांड का मास्टरमाइंड, एफआईआर में जिस गुलाम नामक शख्स को नामजद किया गया वह भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष राहिल हसन का भाई है। इसका घर पे बुलडोजर, घर का एड्रेस है कि नहीं बुलडोजर वाली सरकार के पास। ये अपराध होते हैं यूपी में तो उनका लिंक बीजेपी के लोगों से क्यों मिल जाता है? अभी 4 दिन पहले जौनपुर में एक नेशनल चैनल के जर्नलिस्ट को उसकी ऑफिस में घुस के गोली मारी गई है, सीरियस है वो जर्नलिस्ट महोदय, और वो भी भाजपा के ही जिले के अध्यक्ष के घर के हैं।